यहाँ पे दो चाबियां देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे आप। सर इसकी अभी ऑन रोड प्राइस कितनी होने वाली है? 50,000 में कम्प्लीट। ओके, से अगर चाहे हम फाइनेंस वगैरह कराना तो हमें डाउन पेमेंट वगैरह क्या लगेगा कि अभी गारंटी वारंटी हमें कितने मिलती है अभी सर ऑन रोड, इसमें माइलेज वगैरह क्या मिल रही है हमें बताइए जरा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले दो यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, एक यहाँ पे आपको मैनुअल मिलता है और उसके साथ आपको एक ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है जो कि सेफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फोर्स मोटर कंपनी तरफ से आने वाले फोर्स T1 3700 व्हीलबेस के साथ जो आता है 17 सीटर, ये स्कूल बस है, इसी के आज हम रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं इसके ऑन रोड प्राइस और इसके स्पेसिफिकेशन और सीटिंग कैपेसिटी वगैरह भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी फ्रंट लुक की, तो देख सकते हैं आपको फ्रंट लुक है जो कि काफ़ी यहाँ पे आपको शानदार इसका लुक देखने में मिल जाता है। और सामने तरफ आपको एक बड़ा सा विंडशील मिलता है, उसके साथ आपको दो वाइपर मिल जाते हैं और यहाँ पे दो बड़े बड़े साइज़ का ORVM देखने को मिल जाती है। आपको सेंटर में यहाँ पर आपको फोर्स मोटर का बैजिंग मिल जाता है जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है। यहाँ पर सामने तरफ आपको मिल जाता है फोर्स मोटर्स का लोगो और यहाँ पर देख सकते हैं आपको हनीकॉम ग्रिल देखने को यहाँ पर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, जो इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है। और देख सकते हैं सामने तरफ आपको फाइबर का यहाँ पे बम्पर देखने को मिल जाता है, उसके साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है व्हाइट रिफ्लेक्टर पट्टी दोनों ही साइड देख सकते हैं। यहाँ पे जो लाइट का सेटअप वगैरह है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर लाइट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है हैलोजन हेडलैम्प देख सकते हैं, काफ़ी बड़े यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। और कुछ इस प्रकार का आपको सामने का फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है इस स्कूल बस में। और अब आइए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का साइड प्रोफाइल इस स्कूल बस में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी लेंथ की, तो यहाँ पे आपको 6265 mm की काफ़ी बड़ी यहाँ पे लेंथ देखने को मिल जाती है और इसकी व्हील बेस जो है 3700 mm की इसकी व्हील बेस देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। और साइड प्रोफाइल की बात करते हैं यहाँ पे साइड में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेवलर स्कूल FM 2.6 CR का यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलता है। साइड में भी आपको टर्न इंडिकेटर लाइट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जैसे टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे 215/75 R15 यानी 15 इंच के यहाँ पे टायर्स देखने को मिलती है और इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक क्लाइडिंग वगैरह देखने को मिलता है जो कि आपके पानी के छींटों वगैरह को यहाँ पे रोकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे आपको रॉड वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है विंडो के आगे। और यहाँ पे इस स्कूल वैन में आपको 3 विंडो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। गेट के पास यहाँ पे आपको मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे लॉक अनलॉक का प्रोविज़न मिलता है जिसे आप लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड में भी आपको टर्न इंडिकेटर लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं। और अब ये बात करते हैं हम इसकी बैक प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं सबसे पहले बैक प्रोफाइल आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है स्कूल बस का ब्रांडिंग और पीछे तरफ भी आपको 2 विंडो देखने को मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक जो विंडो है यहाँ से भी आप अपने गेट को खोल सकते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ लॉक अनलॉक का प्रोविज़न वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इस तरह का कुछ स्पेस वगैरह दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर। और इस साइड में देख सकते हैं आपको मिलता है फोर्स मोटर्स की बैजिंग और यहाँ पे स्कूल बस की ब्रांडिंग की गई है जिसे पता चलता है कि ये गाड़ी स्कूल बस है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ट्रैवलर सुपर का ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ पे ट्रैवलर आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाता है। और इस साइड में देख सकते हैं आपको जो पीछे का लाइट वगैरह का सेटअप है यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट्स हैलोजन में मिल जाते हैं, ब्रेक लैंप हैलोजन मिलता है और यहाँ पर आपको पार्किंग लैंप भी है जो यहाँ पर हैलोजन देखने को मिल जाता है। पीछे तरफ देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाता है 4 पार्किंग सेंसर जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर वगैरह दिया गया है और छोटा सा यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर वगैरह दिया गया है। और इसी के साइड में नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्टेपनी टायर वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको छोटा 2 लाइट मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का स्पेस दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको तमाम सारी पीछे की तरफ कुछ इस तरह का प्रोफाइल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और इस साइड भी देख सकते हैं साइड प्रोफाइल भी आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट्स मिल जाते हैं यहाँ पे जिस तरह आपको उधर मिलता था यहाँ पे भी आपको उसी तरह का लुक्स देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपको मिल जाता है डीजल टैंक जिसमें आप अपने 70 लीटर तक डीजल को फिल करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का फ्यूल कैप और लॉक अनलॉक का प्रोविज़न वगैरह दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कमर्शियल GR BS6
डीजल फ्यूल ओनली यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है जिसमें आप अपने डीजल को फिल करा सकते हैं। तो अब ये बात करते हैं यहाँ पे ड्राइवर केबिन की, तो सबसे पहले देख सकते हैं केबिन के पहले आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक का प्रोविजन दिया गया है जिसे आप यहाँ पे इसे प्रेस करके अपने गेट को खोल सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको लुक निकल के आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ग्रैब हैंडल जो है काफी बड़ा यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेदर फिनिश में ब्लू कलर का यहाँ पे कुछ स्ट्रेप वगैरह दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। लुक ऐसा है जैसे लगता है कि ये लेदर का है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंडल, आपके जो विंडोज़ है यहाँ से आप अपने इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉक अनलॉक का यहाँ पे आपको हैंडल दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले दो यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, एक यहाँ पे आपको मैनुअल मिलता है और उसके साथ आपको एक ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर गाड़ी में आपके आग वगैरह लग जाए तो वो फायर एक्सटिंग्विशर ऑटोमेटिक ही इसमें स्प्रे कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं सीट के पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डुअल टोन सीट मिल जाता है, येलो और ब्लू का यहाँ पे सीट देखने को मिलता है। इस सीट को आप ऊपर नीचे और आगे पीछे भी यहाँ से आराम से यहाँ से एडजस्ट आप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। और अब ये बात करते हैं गाड़ी के अंदर तरफ आपको स्टेयरिंग पे क्या क्या मिलता है देखते हैं आपको और बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो चाबियाँ देखने को मिल जाती है जो कि फोर्स मोटर्स की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने चाबी को यहाँ पे लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि एनालॉग फॉर्म में है। यहाँ पे आप अपने स्पीड को देख सकते हैं और यहाँ पे अपने इंजन के आरपीएम को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह दिखलाता है और यहाँ पे एडब्लू का कैपेसिटी वगैरह यहाँ पे दिखलाता है। और यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इंजन चेक लाइट का यहाँ पे मिल जाता है इंडिकेशन। तो यहाँ पे आपको तमाम सारी जानकारियाँ जो लेना है यहाँ पे आपको तमाम सारी जानकारियाँ मिल जाती है। उसी साथ आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको पावर स्टेयरिंग इसमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है फोर्स मोटर्स की ब्रांडिंग। उसके साथ आपको हॉर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है और इस साइड में आपको मिल जाता है वाइपर का कंट्रोल और इस साइड में आपको लाइट्स और टर्न इंडिकेटर लाइट्स वगैरह को कंट्रोल वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर केबिन तरफ आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड के ऊपर आपको दो एयर वेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक आयर भी मिल जाता है और दो सनसेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है केबिन लाइट वगैरह देख सकते हैं, आपको दो केबिन लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस साइड में देख सकते हैं आपको ग्रैब हैंडल वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्विच वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी स्विच दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको लाइट ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है और यहाँ से आप अपने हेडलैम्प को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है हैजर्ड लाइट का स्विच और इस साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका इको मोड का स्विच मिलता है जिसे आप अपने गाड़ी को इको मोड पे लेके आराम से चला सकते हैं। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको मिलता है यहाँ पे 5 गियर मिल जाते हैं और एक रिवर्स फ्रंट गियर आपको 5 और एक रिवर्स गियर यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे मिलता है। नीचे तरफ आपको क्लच ब्रेक और एक्सेलरेटर का पैडल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको देख सकते हैं डैशबोर्ड वगैरह यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको क्रू मेंबर जो है यहाँ पे जो आपके साथ बैठते हैं उनके लिए यहाँ पे आपका सीटिंग कैपेसिटी एक यहाँ पे काफी अच्छा और बड़ी सा सीट आपको यहाँ पे लगा के दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार का आपको ड्राइवर केबिन वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अब आइए बात करते हैं इसके जो सीटिंग कैपेसिटी है पीछे तरफ जिसमें आप अपने स्टूडेंट को बैठा के लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी वगैरह है आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको भी एक लॉक अनलॉक का प्रोविजन मिलता है जिसे आप अपने प्रेस करके उसके खोल सकते हैं इसे गेट को। और यहाँ पे आपको सबसे पहले चढ़ने के लिए फुट स्टेप वगैरह मिल जाता है। इसके साथ आपको एक और फुट स्टेप यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो सीट है यहाँ पे आप अपने इसे गिरा कर यहाँ से इसको यहाँ पे उठा सकते हैं और यहाँ पे भी गिरा सकते हैं इस सीट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सीटिंग कैपेसिटी वगैरह इस तरह का दिया गया है। यहाँ पे आप लगभग दो बच्चे यहाँ और एक यहाँ, आप तीन तीन करके यहाँ पे अपने 17 स्टूडेंट को यहाँ से आराम से बच्चे को बैठा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको बैग वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया गया है जिसमें आप आराम से बैग वगैरह को रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट गेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको हर जगह पे यहाँ पे लाइट वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं केबिन की तरफ भी यहाँ पे बीच में सेलिंग पे भी आपको लाइट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ सीट के नीचे भी अपने चाहें तो आप बैग वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सीट का स्पेस वगैरह मतलब बैग वगैरह रखने के लिए स्पेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे सीट वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। डुअल टोन में यह सीट आता है, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं हम इसकी इंजन की। तो यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है 2596 सीसी की BS6
फोर सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि कॉमन रेल के साथ आता है। यहाँ पे फोर्स मोटर्स की 2.6 CREDI इंजन मिल जाता है जो कि आपको DITCIC इंजन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इंजन की पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 85 किलोवाट की पावर मिल जाता है 2950 RPM पे जो कि 114 HP का पावर होता है। और यहाँ पे अगर टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 350 Nm का टॉर्क मिल जाता है 2200 RPM पे। तो कुछ इस तरह का आपको इंजन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंजन में यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे AdBlue का टैंक वगैरह मिलता है और यहाँ पे आपको कूलेंट वगैरह का टैंक वगैरह यहाँ देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का आपको इंजन वगैरह यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको एयर फिल्टर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अब ये बात करते हैं इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस वगैरह है उसके लिए अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ है आनंद सर। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। सर सर जो ये फोर्स मॉडल की स्कूल बस है जो 17 सीटर है, सर इसकी अभी ऑन रोड प्राइस कितने होने वाली है? इस समय सर हम 19,50,000 में ये गाड़ी आपको कम्प्लीट दे देंगे। 19,50,000 में ये गाड़ी? 19,50,000 में कम्प्लीट। ओके, कम्प्लीट गाड़ी ये हमें देखने को मिल जाएगी। ओके सर, 19,50,000। ओके ओके। तो सर इसे अगर चाहे हम फाइनेंस वगैरह कराना तो हमें डाउन पेमेंट वगैरह क्या लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हमें बताइए। डाउन पेमेंट में सर मान के चले कि 4,00,000-4,50,000 में गाड़ी हम आपको ऑन रोड फाइनेंस करवा के दे देंगे। ओके ठीक। और डॉक्यूमेंट में सर अगर स्कूल के नाम से गाड़ी जाती है तो आपको हमको स्कूल की मान्यता देनी पड़ेगी। ओके। स्कूल का बाइलाज अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का पेपर। ओके। और मैनेजर साहब का आधार कार्ड पैन कार्ड चार फोटो लगता है। ओके। उसके बाद स्कूल का बैंक स्टेटमेंट लगता है 6 महीने का। ओके। यही सारी चीजें हैं स्कूल से रिलेटिव। इतने में आपको फाइनेंस स्कूल से रिलेटेड सारी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह यही लगेगी। ओके। तो यहाँ पे लगभग 4,50,000 रुपए डाउन पेमेंट करके आराम से इस ये गाड़ी हम आपको फाइनेंस करा सकते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे हमारे जो बात हो गई सेल्स वगैरह की, जो आपकी ऑन रोड प्राइस वगैरह है, यहाँ पे सर से बात कर लिए। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे जो सर्विस मैनेजर है राकेश सर, सर इनसे बात करते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे सर। वेलकम। ओके। तो सर अभी जो गाड़ी है ये, इसकी अभी गारंटी वारंटी हमें कितने मिलती है? इसकी गारंटी सर 3,00,000 किलोमीटर। ओके। अथवा 36 महीने। 3,00,000 किलोमीटर या 36 महीने की वारंटी इसमें देखने को मिलती है। ओके सर, काफ़ी अच्छी है। सर इसमें अभी सर्विस वगैरह क्या हमें देखने को मिलता है? देखिए सर, इसमें जो है 14 सर्विस मिलती है। ठीक है, 14 सर्विस मिलती है। 14 में 6 फ्री होती है। ओके। और 8 पेड होती है। ओके, तो 6 फ्री सर्विस में आपको लेबर कॉस्ट वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं ना सर? नहीं, लेबर कॉस्ट बिल्कुल नहीं। देखिए गाड़ी वॉशिंग करा के मिलेगी। ठीक है, हर एक जो फैसिलिटी होती है सर्विस का फ्री में वो सब दिया जाएगा। ओके ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 14 सर्विस इसमें आती है, जिसमें आपको 6 फ्री सर्विस इसमें देखने को मिल जाती है। अभी सर ऑन रोड इसमें माइलेज वगैरह क्या मिल रही है हमें बताइए जरा? माइलेज इसका स्कूल में चलेंगे 12 मिलेगा। ठीक, 12 तक का माइलेज। ओके, तो इसमें 12 तक का माइलेज है, काफ़ी अच्छी माइलेज है। तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारियाँ इस स्कूल वैन की आपको हमारे वीडियो के माध्यम से को मिल चुकी होगी। और अगर चाहते हैं आप इस वैन को लेना और देख रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं प्रभा मोटर्स। यहाँ के जो नंबर वगैरह है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।